तो सबसे पहले तो आप रिव्यू ले लो जो आज होने वाला है उन वीडियो को यहाँ पे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द देखो आने लग पड़ी, ये दिख रही है आपको? ये तो मेरा बटर तो रेडी है, देखो पूरा साफ और क्लीन पत्ता होना चाहिए, मतलब कोई कहीं से लगाते रहो, जैसे ही साफ हो जाए और लगाते रहो। और मैं बाहर खड़ी हूँ, मेरे पास चप्पल भी नहीं है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सुबह का मौसम था कुछ ऐसा, आज था पहला नवरात्रि, तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूं। तो भी रेंजी ने मुझे सुबह उठ के पानी दे दिया और वो आज मुझसे पहले भी उठ गए। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया है, अभी रेंजी को ऑफिस के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो मैं ना पिछले कल अरबी लाई थी, मैंने सोचा आज व्रती है मेरा और यही बना देती हूँ, तो मैंने इसे उबाल दिया अच्छे से और विरेंजी का टिफिन पैक करके उन्हें दे दिया। और चादर वादर उठाई, धोनी थी ना, बहुत भर दिया, खाली करो। मैं भी कहीं बिजी हो जाती हूँ। और आज यहाँ का मौसम देखो, बादल बादल है पूरे। तो विरेंजी को भेज दिया ऑफिस, आज है ना ये भी धोने हैं मुझे, सब धोऊंगी आज का। देखो एक से क्या निकला, सारा मेस कर दिया, मैंने झाड़ू पोछा भी कर रखा था। आज ना कपड़े बकेट भर के हैं, पूरे बकेट भर के। मेरा है फास्ट, तो आज मैंने ये अरबी बनाई थी, तो विरेंजी को इसी की सब्जी दी सुबह। जब मैं उनको देने लगी ना, अरे यार मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ भैया, ये कुकर कभी मत लेना, इस तरह के ढक्कन वाले कुकर कभी मत लेना, इसमें कोई ना कोई दिक्कत। आज सुबह यही टूट गया इसका हैंडल, एक तो इतना काम रहता है, इतनी जल्दबाजी रहती है, ऊपर से ये ऐसा होता रहेगा तो क्या बोलूँ। और ये प्रेस्टीज का कुकर है, तब भी इसकी ऐसी हालत है, क्या जो बोलूँ अब मैं। ऐसे कुकर कभी मत लेना, इसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, शायद ये छोटा है इस वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े वालों में नहीं आती। मेरे पास तो 5 लीटर का भी है, 10 का भी है। लेने जा रहे थे वो, तो मैंने उनको डांटा, चुपचाप ले जाओ, क्योंकि तो बिना पतियों को धमकाना भी पड़ता है, क्योंकि उनको अरबी पसंद नहीं है ना, इसलिए। इस मेस को समेटती हूँ यार, काम ही बढ़ जाता है मेरा। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द धनुष शर्मा बेस चैनल, कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है आज जो घर की जो भी एक्टिविटी होगी, मैं नवरात्रि के दिन क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाऊँगी, सब आपको शेयर करूँगी। तो अभी जस्ट मैं नहा धो के रेडी होके आई हूँ, सुबह मैं उठ के आपको सारी एक्टिविटी तो दिखा ही दी है। मैं सुबह आपको वेलकम करना भूल गई थी, क्योंकि काम ही इतने होते हैं ना, आप जानते ही हो, मैं तो एक अच्छी गृहिणी हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप करके आपको सब दिखा दिया, मैंने क्या क्या करा, वीरेन जी को भेजना था ऑफिस, उनके लिए लंच पैक करना था और उनका सब कुछ करना था। तो चलो अब शुरू करते हैं, बहुत काम पड़े हैं। और देखो गाइस, इसमें अभी तक कुछ नहीं आया, क्योंकि चिड़िया आ रही है। अरे आ रहा है, आ रहा है, मेथी उग रही है, मेथी चिड़िया आके ना इसे चुगे जा रही है। ये धनिया, ये देखो ऊपर ऊपर निकल रहा है ना, ये चुप चुप के ले जा रही है चिड़िया। मैं तो आप जानते ही हो, स्प्रे करके डालना है। देखो आने लग पड़ी, ये दिख रही है आपको, ये आने पानी डाले थे, ये कड़ी पत्ता तो खिल गया अच्छे से, पर ये सूख गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, जो उग गई इसमें खुद ही। देखो वो शाद वाले दिन वो जौ के वाला पानी डाला था ना, तो आजकल होती है ना कटिंग होती है गुलाब की, तो मैं वो कर दे रही हूँ। इसमें देखो आ रहे हैं न्यू, ये आ रहे हैं, तो जो सूखी वो कटिंग करके ना ये अच्छे से खिलता है। तो अभी इसमें यहाँ भी आ रहे, देखो यहाँ, और तुम आ रहे तो इसको ऐसे काट दो, इसको काट दो, ये आ रहे हैं, ये भी ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, इसको काट दो।
तो आज मुझे ना ये मलाई का घी भी बनाना है क्योंकि आज नवरात्रे हैं। तो आज सोचा अपने घर पे बनाए घी का दिया जलाऊं, तो मैंने फ्रिज से निकाल के भी रखा है इसको। फटाफट बेडशीट लगा दी, पिल्लो कवर लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ अच्छे से ये भी चादर बिछा दी, इनका लगा दिया ढेर झाड़ के। तो मौका मुझे अभी लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ना घी बना लेती हूँ, आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की है वीडियो, आप प्लीज जाके। तो मेरा बटर तो रेडी है, देखो अच्छे से बन गया है। और ये छाछ, ये बीच में बटर है, तो ये देखो कितना बटर बनता है ना मलाई का। बहुत अच्छे से अगर करोगे तो बहुत अच्छा बटर बनता है। तो मेरी सास मम्मी ने ये कलश दिया था मुझे, वो लाई थी दिवाली पे, कि कहते हैं ये उत्तराखंड में कलश ये होता है, मतलब इस तरह का होता है जिसकी नेक ऐसी लंबी होती है ना, वो होता है। हम जैसे लोटा रख देते हैं ना उसको, वो लोटा कहते हैं, इसको ये कलश कहते हैं। तो देखो ये काला भी हो गया, इसको साफ करती हूँ मैं, ज़रा चमका के आगे से यूज़ करती हूँ। कल जो मैं मंदिर से सामान लाई थी, मैं लाई थी ये आम के पत्ते, थोड़े फूल को धो लिया पहले मैंने नारियल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में ना नारियल कैसे रखने चाहिए, मतलब ये वाले नारियल कैसे रखने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये होती है कंफ्यूजन कि कैसे रखने चाहिए। मुझे भी होती थी पहले, लेकिन अब नहीं होती। तो सबसे पहले तो ऐसे नारियल को ना चुन्नी या किसी इसमें जरूर बांधना चाहिए, ऐसे खाली नारियल नहीं रखते। और इसमें गंगा जल डाल दो, आप जब कलश स्थापित करो तो इसमें गंगा जल जरूर डाल देना चाहिए। तो ये होती है टेल नारियल की, और ये होता है मुंह, मतलब यहाँ से कनेक्टेड होता है वो पेड़ से, यहाँ से तोड़ा जाता है तभी इस तरह से होता है यहाँ से। और हमेशा देख के लो भी, पानी वाला होना चाहिए नारियल। तो ये लेने के बाद हम कलश स्थापित करना, और इसमें ना आम के पत्ते ऐसे रखने चाहिए ऐसे, और पूरा साफ और क्लीन पत्ता होना चाहिए, मतलब कोई कहीं से टूटा हुआ खाया हुआ नहीं होना चाहिए, साफ पत्ते ऐसे। तो इस तरह से ना कलश को स्थापित करते हैं, और ये मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए, जिस तरफ जो पूजा करते हैं ना उस तरफ रहना चाहिए। और ये पांच पत्ते होने चाहिए, पूरे पूरे साफ पत्ते। तो मेरा घी भी बन के ना रेडी है। मेरा घी भी बन के तैयार हो गया, थोड़ी सी की तो मैंने जोत जला दी और बाकी ये रखा है। अब मैं इसको बातिया बनाऊंगी। तो मेरी पूजा, मैंने कलश भी रख दिया, आपको बताया कैसे रखते हैं, और कपड़े भी धो दिए, सब कुछ कर दिया, अच्छे से सब कुछ कर दिया। हाँ, अब मुझे ना जो डोर पे ना तोरण बनाना है, और मेरे पास अभी फूल नहीं है, मैं शाम को फूल लाऊंगी। आम के पत्ते मैंने रखे हैं, तोरण बनाऊंगी अभी उसका अच्छा सा, तो वो लगाऊंगी, पुराना तोरण निकाल दूंगी। तो एक ये, और अभी मैं बनाती हूँ, मुझे मेरा फास्ट है आज, तो मैं बनाती हूँ अभी कुछ अपने लिए। मैंने अरबी उबाल के रखी थी ना, और वीरेन जी को मैं सुबह अरबी दे रही थी ना, तो कह रहे रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो, आज खाना मत बनाओ, मैं बाहर ही खा लूंगा, क्योंकि उन्हें अरबी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं है, तुम घर का खाना ही ले जाओगे, तो डांट पीट के मैंने उन्हें टिफिन दे दिया। तो अभी मैं अरबी बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ देखो शहरी ऐसी होती है ये ना, खाने में भी मीठी होती है, और इसको मतलब ज़्यादा इसका छिलका होता ही नहीं है, मतलब बहुत पतला होता है इसका छिलका, बहुत ही, ये देखो पतला सा है, बहुत ही पतला होता है, और ऐसी साफ साफ सी होती है। पहाड़ी तो बहुत अच्छी होती है, अलग सी होती है, उसमें जागल भी होती है, इसमें जागल भी नहीं होती। तो कल ना मैं ये लाई थी, ये इसी जैसे कहते हैं कमल के फूल के बीज होते हैं ये, इसे लगाने की कोशिश करती हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं। मैंने एक कप ले लिया है ना, और इसमें पानी भर के रख दिया, ये कप ना ऐसे ही ख़राब हो रहा है ना, तो मैंने इसको मतलब उसके लिए रख दिया है, कुछ ना कुछ पौधे के। इसको ना थोड़ा सा फोड़ लिया जाता है, मतलब अभी ना तीन ही डाल रही हूँ, अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं इनको भी डाल दूंगी। अब इसे तो मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखो मुझे ये पिंपल हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये जो पिंपल हो रहा है ना,
ये ना बहुत ऊंचा था, बहुत गंदा वाला था। कल रात को मैंने इसे फोड़ दिया। इसे फोड़ने के बाद इससे इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला मैं क्या बताऊं। अब ये मतलब मोटा सा छेद हो रहा, काला सा हो गया है ना, मुझे इसमें मतलब दर्द भी हो रही है। मैं सोचूं क्या जो मैं करूं, तो मैं ना आपको एक तरीका बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जब ऐसे गंदा वाला पिंपल होता है ना, जो जिस तो सबसे पहले ना मैं हल्दी लाई थी, ये मैं घर से लाई थी, ऑर्गेनिक है, ये मम्मी ने मुझे दी थी, मैं दवाई दवाई के लिए रखती और हूँ। एक लेनी है ईयरबड हमको, क्योंकि हाथ नहीं लगाते ना पिंपल को। और ले लो नारियल तेल, कोई भी ले लो, उसकी एक ड्रॉप हम इसमें डालनी है। ओह ज्यादा गिर गया। अब इसको इसी ईयरबड के थ्रू हम अप्लाई कर लेंगे। लगाते रहो, जैसे ही साफ हो जाए और लगाते रहो। तो क्या है ना, एक तो ये हल्दी की वजह से जल्दी हील भी हो जाएगा, और कोकोनट नारियल तेल की वजह से ये ना दाग साफ भी हो जाएगा। आप तो जानती हो नारियल तेल कितना इफेक्टिव होता है। मुझे इतना आदत है ना नारियल तेल लगाने की, मैं मैक्सिमम नारियल तेल ही लगाती हूँ, सुबह शाम नारियल तेल रगड़ती हूँ अपने में। मेरे हाथ देख लो, मैंने कर दिया लॉक और मैं बाहर खड़ी हूँ, चप्पल भी नहीं है। मैं चाबी अंदर ही छोड़ गई, अभी रेंज का वेट करना पड़ेगा। मैंने लगा दिया लॉक और मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं जा रही थी दूध लेने, आपको बता ही तो रही थी मैं दूध लेने जा रही हूँ, आपको गार्डन भी दिखाऊंगी। मैंने लॉक ही लगा दिया और लॉक देखो बैग भी रखा है कि दूध लूंगी, और चाबी नहीं ली। बार बार इससे कोशिश करते हैं, और यार ये टूट ही जाएगा, पंगे नहीं लेती। यहाँ चल के टाइम पास कर रही हूँ, क्या करूँ, रेंज का वेट कर रही हूँ। जी वीरेंद्र जी की गाड़ी पहुंच गई है, वीरेंद्र जी आ रहे हैं वहां पर। ये है ना जो घी का, ये गाय के लिए ले जाऊंगी, गाय के लिए हेल्दी होता है। बना ये है हमारी मिस्टर ग्रॉस। मैं इसको मिस्टर ग्रॉस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसका नाम मिस्टर ग्रॉस ही है। तो यहाँ पे हमारी सारी दूध दही सब्जियाँ सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ग्रॉसरी का सामान। तो अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। तो मैं रोज की तरह दूध लेने आया हूँ। तो हे एवरीवन, मैं वीडियो को करती हूँ यही एंड। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, उससे आप मेरे न्यू अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।